इतना सारा जल गया, ये 5 हाउस बोट जली है। ये बहुत सारा नहीं हो गया, हाफ नहीं लगा सकते? हाउस बोट का जो इंटीरियर है ना भैया, पूरा बोट के साथ टेक लगा के बैठे। सामने आ जाती है मार्केट, ये और ये है बाथटब। ठीक है, ब्लैंकेट डाल के ओए होए, कितना मजा आ रहा है ब्लैंकेट में। लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो ये बहुत अच्छा। अब ठंड लग रही है बढ़िया। तो यहाँ से ले लिया हमने राइडिंग बूट। वेलकम बैक माई YouTube फैमिली। इंतजार की घड़ी हुई खत्म, आ गया है सेकेंड एपिसोड कश्मीर का, जो कि आपने पहला व्लॉग जरूर देखा होगा जो मैंने गुलमर्ग में आउटसाइड कुकिंग करी थी, तो ये उसी का ही पार्ट है। आज का जो वीडियो है डेडिकेटेड है हाउस बोट के ऊपर, पूरा ट्रैवल हाउस बोट का होने वाला है। तो मैं पहले आपको बता दूँ, अगर आप हाउस बोट बुक करते हो तो आपको पार्किंग नहीं मिलती है, कार पार्किंग के लिए आपको अलग से स्पेस लेनी पड़ती है। प्राइवेट कार पार्किंग जो कि 24 आवर्स का अलग से एक रेट है, आप कितनी बार यहाँ से कार निकाल सकते हो, कुछ इस तरीके से चार्जेस होने वाले हैं। 2 घंटे का, उसके बाद 10 रुपए फीस होता है। ओके दोस्तों, 270 रुपए की 24 घंटे की पार्किंग होगी, और पार्किंग देखो कितनी बेकार सी है ये। तो ये कुछ मंजर है हाउस बोट वाली लेक का। आ रही है बोट हमें लेने के लिए। चलो काफी सारी शिकारा खड़ी हुई है। आ रही बोट अपनी लेने के लिए। और नहा रहे कबूतर भी। कबूतर भी नहा रहे। भैया अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल बीच में रखते हैं पेरिस में। ओके, ये पूरी हिलने लगी है। आ तेरी तो नो पे बैठी बिल्कुल। तो और नीचे चली गई पानी में, छेद हो गया इसमें। बैग ले लो पीछे। कैसा लग रहा पानी में? डर भी लग रहा है, एक्साइटमेंट भी हो रहा है। गहरी थोड़ी ना होगी, गहरी है ये। लाइन सा हाउस बोट है इसमें तो, यहाँ पर हाउस बोट कम, ये वो असली की शिप ज्यादा लग रही है। देख पीछे देख। कोई बात नहीं, खुल जाएगी आंखें भी। आ गए तुम्हारी, उतरना जरा, अभी से उतर जाओ पानी में, तैर के जाओ। नहीं। वालेकुम अस्सलाम, बढ़िया बिल्कुल। अभी उतरना नहीं प्रिया है, बैठे रहना अभी। आ जाओ आराम से। इनको डर बहुत लगता है, पानी से डर है इनको बहुत। एटीएम भी यही है बराबर में ही है। आओ बेटा बैग ले लो अपना। तो अब बात करता हूँ मैं हाउस बोट के बारे में। ये एक डीलक्स हाउस बोट है जिसमें सिर्फ 2 ही बेडरूम है, और इसका नाम है तशकंद। ये एक सी पोर्ट है जिसपे से हम चलकर जा रहे हैं, ये कनेक्ट करता है मेरे डायरेक्ट हाउस बोट में। अब यहाँ से मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मेरा कहने का मतलब यह है, मेरा पहली बार एक्सपीरियंस रहा है, और पहली बार इतना पॉजिटिव मैंने सोचा नहीं था। मुझे एम्बियंस मिलता है रूम के अलावा, जिसमें एक हीटर होता है, और इतना खूबसूरत इंटीरियर होता है इस एम्बियंस का, मैंने ऐसा लाइफ में कभी एक्सपीरियंस करा नहीं। तो शायद मुझे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप अगर एक्सपीरियंस करोगे तो आपको भी ज़्यादा ही लगेगा। बात करूँ अगर रूम के बारे में, तो रूम 2 रूम है साथ साथ में, एक लेफ्ट हैंड पे और एक फ्रंट साइड पे। तो रूम की फैसिलिटीज़ कुछ इस तरीके से, आप खुद देख लीजिए। सो रूम का मैं आपको दिखा देता हूँ। रूम में इलेक्ट्रिक बेड आ जाता है हमारे पास, और इसमें क्या है 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी है, और डिनर भी ऑर्डर हो जाता है। नॉमिनल प्राइस है सब चीज़ का। जो इंटीरियर है ना रूम का, वो ऐसा है मतलब देखने में लग नहीं रहा है कि इसमें कोई कमी रह गई होगी, बिल्कुल होटल वाली फैसिलिटी है। साइड में कबर्ड भी है, और ये देखो वेस्टर्न कट है और थोड़ा सा इंडियन स्टाइल भी है। और ये है बाथटब। सो यहाँ पे शावर ऊपर नहीं होता, हैंड शावर होता है। देखते हैं गर्म पानी आता है, नहीं आता, ठंडा भी नहीं है ना ज़्यादा गर्म है, बस ठीक है। तो मेरा तो दिल नहीं भरा था इंटीरियर और जो बाहर का एम्बियंस है, तो मैं दोबारा से एक्सप्लोर करने निकला। ये जो पाथवे है इस पे चलने पर अलग ही वुड की आवाज़ आ रही थी, जो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। और यह बाहर भी स्पेशियस सा एक लॉबी एरिया है, जहाँ पर आप बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। और दोनों एज पर मतलब दोनों साइड पर पानी है, जिसमें हमें मिलती है कनेक्टिविटी ट्रांजिट बोट। चाय आ रही है, बाकी मैगी देखते हैं कैसा है। ओ तेरी, हॉट पॉट में मैगी दिया, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। तो शूज पहन के आ गया हूँ मैं इस बार बाहर अब, और यहाँ पे भी मैंने एक शिकारा बुलाई है, और उसमें थोड़ा राइड करके आएंगे। पानी के अंदर काफ़ी शॉपिंग वगैरह सब हो जाती है। तो ये आ गई है बोट अपनी शिकारा लेक, जो अपनी पूरी लेक को कवर करेगी रात होने से पहले। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, पानी देखो कितना ज़्यादा ऊपर तक लग रहा है।
दोस्तों मेरा एक भी फोटो नहीं है, एक ही फोटो है, हाँ एक फोटो है मेरा जिसमें मैं ठीक ठाक लग रहा हूँ, बाकी सब फोटो आड़े तेड़े। तो देखने में जितना सुंदर लग रहा है ना, रियल लाइफ में और भी ज़्यादा सुंदर है ये जगह। यहाँ पे डल लेक के अंदर एक सीन है, अगर आप जब भी ऐसे टाइम स्पेंड करने निकलोगे ना आप अपनी शिकारा में, तो दोनों साइड से आपको मतलब जो सैलर होते हैं ना यहाँ पे, तो वो लोग आते रहते हैं ऐसे, बिल्कुल पास आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि लग रहा है कि ये लोग उतर के आपकी बोट में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये सब बहुत नॉमिनल प्राइस पे सेल करते हैं। अगर आपको कावा पीना है उसका एक स्टैंडर्ड प्राइस है 50 रुपीज़, बाकी और चीज़ों का थोड़ा वेरिएबल है प्राइस के अंदर, बाकी कावा का टेस्ट सबका एक जैसा है पूरे कश्मीर में। और बात करूं अगर फूड कंपटीशन की, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा, एक जाता है तो दूसरा आता है। अभी ये बारबेक्यू वाले भैया आ गए थे और इन्होंने बहुत अच्छा बारबेक्यू खिलाया, थोड़ा सा इनका प्राइस हाई था, मिड रेंज से ज़रा सा, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई था। और इनका बनाने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया, पहले तो बोर्ड से चिपक जाते हैं, उसके बाद जब इसे सेकना होता है तो ये आगे ले जाते हैं बोर्ड को और आगे ले आके सेकते हैं, ताकि कस्टमर के ऊपर धूल मिट्टी कुछ भी ना आए जो भी ये बना रहे हैं। और इनका जो टेस्ट था ना वो लाजवाब था, बोट ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन ये चीज़ भी ज़रूरी है वरना पानी में गिर भी सकते हैं। सामने आ जाती है मार्केट, अब ऐसा नहीं लग रहा जैसे यहाँ पे ज़ॉम्बी अटैक हुआ था, सब कुछ बंद हो गया है। देखियो कितना साइलेंस है यार, यहाँ पे बहुत साइलेंस है, देख कर मज़ा भी कितना आ रहा है ना, यहाँ पे एकदम बोट में ही खाना खा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये थाईलैंड की वो है फ्लोटिंग मार्केट, और जल मुर्गी घूम रही है पानी में। काफ़ी रेप्यूटेड शॉप्स हैं देख यार यहाँ पर प्रिया, थम्स अप है कि थम्स अप आधे लीटर में दे देना एक। तो हमने लिया एक ये फैंटा का कैन, एक कोल्ड ड्रिंक और जॉनसन बेबी। एक सिप मारूंगा, पार्टी भयंकर पार्टी होगी, बहुत भयंकर। किसी ने कप छोड़ दिया पानी में, कावा पी के पानी में ही छोड़ दिया भाई साहब। अब ठंड लग रही है बढ़िया, ठीक है ब्लैंकेट डाल के, ओए होए कितना मज़ा आ रहा है ब्लैंकेट में शिकारा के अंदर। अब गर्म हो गया डालते देखो पैरों में, है ना, अपनी हाउस बोट इधर ही है दोस्तों, इन नहीं कहीं में आगे है। ओ माय गॉड, इतना सारा जल गया, ये 5 हाउस बोट जली है, पीछे भी जल गई थी वो जो उधर है वो भी गया। यहाँ पे वाटर एम्बुलेंस भी है ना, सही है यार, अगर पानी में किसी तबियत खराब हुई तो ये लोग फौरन आ जाएंगे। बहुत ठंड बढ़ गई यार शाम को, टेंशन रहता है, ऑफिस का टेंशन, हर चीज का टेंशन, और यहाँ पे देखो कितना रिलीफ है। अपना हाउस बोट आ गया बेटा सामने, SBI का ATM है इसकी निशानी। SBI का ATM है। जगमगा रहा है हमारा हाउस बोट, ठंड लग रही है क्या तुम्हें? ठंड हो रही है, हवा चल रही है ना बहुत, 2 डिग्री हो रहा अभी, ये लाइट्स ऑल नाइट जलेगी और खूबसूरत लग रहा है, सभी हाउस बोट पे लाइट है, तो अभी उधर निकलेंगे ना तब दिखाई देगा। जितनी मर्जी ठंडी हो रही हो बस मेरी कोको कोला साथ है, मुझे कोल्ड ड्रिंक बहुत सही लगती है, मजा आ रहा है, देखो कितना अच्छा लाइटिंग हो रखी है, मस्त आ रहा है यार यहाँ का व्यू। तो उस कोस्ट पे जाना है अपने को, मुझे तो दिन से ज्यादा बेटर लग रहा है रात में, देखो कितना अच्छा लाइटिंग हो रखी है ना। हाँ
ये जितनी भी लाइट है ना, जितने भी ऊपर ये रिजॉर्ट बने हुए हैं जो हाउस बोट है, ये नीचे इनकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अपनी हाउस बोट में सबसे ज़्यादा फायदा पता है क्या, बराबर में SBI का ATM है। ये रात में भी यहाँ पे शॉपिंग चल रही है, बारबेक्यू और कावा वगैरह सब लोग बेच रहे हैं। सो आ गए हम लोग कोस्ट पे। हाँ भाई चलें, कार उठाएं। हाँ चलो, देखने में लगी नहीं रही, इंडिया का रोड है ना। अगर आप कश्मीर आके दिल्ली जैसा खाना ढूंढ रहे हो ना, तो आ जाना खयाम चौक, यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी। स्पेशल थिंग इज़ दैट हमने लिया राइडिंग बूट, जो कि सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये में लिया। और राइडिंग बूट अगर ये मैं कंपेयर करूँ किसी ऑनलाइन क्वालिटी से कम 5000 का तो आने ही वाला है। वाटरप्रूफ है ना ये, मोटरसाइकिल पे चल जाएगा। सामने लग रहा है चिकन तंदूरी वगैरह सारा खाना मिलेगा दिल्ली के मतलब वाला, तो यहाँ ट्राई करते हैं। और बाकी यहाँ सारी खाने पीने की दुकानें हैं, आपको दिल्ली वाले खाने मिलेंगे, मिड रेंज प्राइस की सारी दुकानें हैं। खयाम चौक ही तो है, खयाम चौक पे हमने पसंद करी एक दुकान जिसका इंटीरियर बहुत अच्छा है, इतनी फाइन क्वालिटी प्योर लेदर। मेरे तो इसी के साथ साथ मैंने ट्राई करा 5 अलग अलग तरीके की चटनी, जो कि कश्मीरी क्यूजीन के साथ लंबे वाला कबाब, जो कि बहुत टेस्टी था, दिल्ली वालों को तो बहुत पसंद आने वाला है। 2 कश्मीरी रोटी मिलती हैं जिनका स्वाद बहुत ही अलग है, खाने में अलग ही मज़ा आता है। कश्मीरी कबाब से मेरा दिल नहीं भरा, उसके बाद भी मैंने 2 डिशेज ऑर्डर करी, एक था चिकन टिक्का, मटन टिक्का। अगर आप ये तीनों का कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे, टू बी ऑनेस्ट आपको बहुत पसंद आने वाला है। अगर आप दिल्ली से हो तो आप यहाँ सेटिस्फाइड हो जाओगे। इसके बाद मैं चले जाता हूँ ट्रांजिट बोट पे, जहाँ से मेरा ट्रैवल फ्री है कोस्ट से लेकर हाउस बोट तक, क्योंकि इसका प्राइस आपकी हाउस बोट के प्राइस के अंदर इंक्लूडेड होता है, चाहे आप जितना मर्जी इसको ट्रांजिट में ट्रैवल करें। ओके, क्या सनराइज हो रहा है यार, मज़ा आ रहा है देख के। इरफान भाई ये खोल देना कैटल। ब्रेड ऑमलेट है ना। सुबह सुबह हाउस बोट के आउटसाइड में ब्रेकफास्ट, ऑसम। तो अगर आप हाउस बोट में आते हो तो आप पहले कंफर्म कर लेना कॉल पर कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है आपके प्राइस में या नहीं, क्योंकि हर एक हाउस बोट के प्राइजेज में और उनके जो टैक्स होते हैं, जो प्लान्स होते हैं, उनमें वेरिएशन होता है। तो यहाँ से हो जाती है अपनी जर्नी कंप्लीट, जो कि थी एक नाइट की, और यहाँ से हम निकल जाते हैं अपना सामान उठाकर अगली डेस्टिनेशन पे। तो ये पूरा एक्सपीरियंस जो भी मैंने आपसे शेयर करा, इसका एक और पार्ट है जिसे मैं बोलता हूँ पार्ट 3, तो वो मैं इतना लंबा टाइम नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि वो पार्ट में इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तो आपको 2 से 3 दिन में वो एपिसोड देखने को मिल जाएगा। आपने इस वीडियो में पूरा इंटरेस्ट दिखाया, उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं 3rd एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।